12 घंटे ओपीडी के अंदर एक टेक्नीशियन रहता है, वो डेली 24/7 आवर्स अपनी सैंपलिंग कलेक्ट करता है, और आउटडोर के भी जो पेशेंट बाहर के आते हैं उनकी भी। अभी अपने कोविड वार्ड के अंदर जो भी है सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा ट्रीटमेंट केयर की जा रही है। अपने अभी 5 पॉजिटिव पेशेंट भर्ती हैं और 5 सस्पेक्ट पेशेंट भर्ती हैं, और रेगुलर जैसे केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डेली इनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। अभी वही पेशेंट बायलेटरल ल्यूमेनाइटिस के आ रहे हैं, जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 3 पेशेंट अभी अपने बाईपेप पे हैं, 2 पेशेंट जनरल ऑक्सीजन पे हैं, और पेशेंटों में अभी अच्छा सुधार भी हो रहा है और प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो रहा है। और पेशेंट जो कोविड वार्ड के अंदर या सस्पेक्ट वार्ड के अंदर जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों को भी कोविड की गाइडलाइन पालना की सख्त आदेश दे रखा है, और प्रॉपर हम नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरा कोविड कंट्रोल हो रखा है। अच्छा, सैंपलिंग की अगर बात करें तो कहाँ की जा रही है? सैंपलिंग के लिए ये पासमी बिल्डिंग बना रखी है, इसके अंदर 12 घंटे ओपीडी के अंदर एक टेक्नीशियन रहता है, वो डेली 24/7 आवर्स अपनी सैंपलिंग कलेक्ट करता है, और आउटडोर के भी जो पेशेंट बाहर के आते हैं उनके भी यहाँ पे कोविड का सैंपल लिया जा रहा है। टोटल कितने पेशेंट आ रहे हैं पर डे ओपीडी के? आउटडोर की बात करें तो 100 से 150 केस आ रहे हैं, जिनमें से 10-15 केस रोज पॉजिटिव आ रहे हैं अभी फिलहाल। एडमिट जो सीरियस, हाँ अभी पेशेंट हैं उसमें पेशेंट्स के कोविड के अलावा अलग भी मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हैं, उस वो भी समस्याएं आ रही है, साथ में कोविड के भी सिम्टम्स हैं उनमें। आपका नाम? धर्मेंद्र चौधरी, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला उपाध्यक्ष।